The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So, tumor markers, right? चाहे किसी भी तरीके का कैंसर हो, कुछ तरीके के टेस्ट आते हैं जो ट्यूमर के प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं आपकी बॉडी में, राइट? जिसको कैंसर मार्कर्स, ट्यूमर मार्कर्स भी बोलते हैं. ये आपके ब्लड में, यूरिन में या बॉडी के टिश्यू सैंपल से टेस्ट किए जा सकते हैं. ट्यूमर मार्कर ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो कैंसर सेल से बने हैं और या फिर वो एबनॉर्मल सेल्स से बने हुए हो सकते हैं, लेकिन वो नॉर्मल सेल्स का रिस्पॉन्स है कैंसर सेल्स, कैंसर कैंसर के लिए वो ट्यूमर के जैसे दिखते हो, वो सेल्स वो मार्कर वे बन जाते हैं. सो कुछ तरीके ट्यूमर मार्कर्स कुछ पर्टिकुलर कैंसर के लिए स्पेसिफिक होते हैं और कुछ जनरलाइज्ड होते हैं कि बॉडी में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कैंसर है. सो बेसिक ट्यूमर मार्कर. सो बिकॉज क्योंकि ये ट्यूमर मार्कर ऐसा भी होता है कि कुछ नॉन कैंसरस कंडीशंस में भी पाए जा सकते हैं, इसीलिए ट्यूमर मार्कर जो है वो अकेले डायग्नोसिस में नहीं यूज़ करते, स्क्रीनिंग में यूज़ किए जा सकते हैं. लो रिस्क पेशेंट्स या लो रिस्क वाले पेशेंट्स में भी नहीं यूज़ करते, जिनको हाई रिस्क होता है, राइट, उन लोगों को किया जाता है या जिन लोगों को ऑलरेडी डायग्नोस किया जा चुका होता है उनका किया जाता है. ट्यूमर मार्कर हेल्प करते हैं ये देखने के लिए कि कैंसर कितना स्प्रेड हुआ है और ट्रीटमेंट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन चीज़ों को देखने के लिए. और या फिर अगर कैंसर जो है वो वापस तो नहीं आ गया, एक बार आपका ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया था और कैंसर कम हो गया था उसके बाद. सो ट्यूमर मार्कर इन चीज़ों में काम करता है. सो क्या है ये ट्यूमर मार्कर, क्यों यूज़ करते हैं? ऑब्वियसली याद रखिए, ट्यूमर मार्कर टेस्ट ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए कैंसर का. और ट्यूमर मार्कर लेवल कम होता है, दैट मींस ट्रीटमेंट इज वर्किंग. दूसरा, टू हेल्प आउट इफ कैंसर हैज स्प्रेड टू अदर टिश्यूज. ट्यूमर मार्कर सेल बढ़ जाता है मतलब कैंसर स्प्रेड हो रहा है. और ट्रीटमेंट डिजीज, जो बीमारी है, जो कैंसर है, उसका आउटकम पता करने के लिए भी ट्यूमर मार्कर किया जाता है कि अगर आउटकम ट्यूमर मार्कर बढ़ा हुआ है तो आउटकम खराब, कम है तो चलो ठीक है आप बच पाओगे, ऐसा हिसाब किताब है. तो और सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो जाने के बाद वापस कैंसर फिर से शुरुआत तो नहीं होगी, उसके लिए भी ट्यूमर मार्कर. और हाई रिस्क पेशेंट्स में स्क्रीनिंग के लिए होता है. रिस्क फैक्टर मतलब फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में आपके कैंसर हो चुका है, आपको भी रिस्क है, राइट? और या पहले कोई दूसरे तरीके का कैंसर हुआ था, अब एक पर्टिकुलर दूसरे कैंसर के लिए स्क्रीनिंग हो रही है, तो ये हाई रिस्क में आ जाता है. सो आपको क्यों कराना चाहिए? अगर आपका कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है, ट्रीटमेंट हो चुका है, हाई रिस्क हो, ये सब चीज़ों में, ठीक है, जब आप करवाओगे तो उसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कौन कौन से मार्कर होते हैं, लेट्स रन थ्रू इट. पहला मार्कर है CA125, यानी कैंसर एंटीजन 125. ये ट्यूमर मार्कर ओवेरियन कैंसर के लिए है. ओवरीज में कैंसर होता है, फीमेल ओवरीज, उनके लिए होता है. और ये यूज़ होता है टू सी कैंसर ट्रीटमेंट काम कर रहा है या नहीं, या टू सी अगर कैंसर वापस आ गया है या नहीं. दूसरा है CA153 या CA27-29, यानी कैंसर एंटीजन 15-3, 27-29. ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए होता है, राइट? ब्रेस्ट कैंसर के लिए ये भी मॉनिटर करने के लिए यूज होता है ट्रीटमेंट, और एडवांस ब्रेस्ट कैंसर का प्रोग्रेस. तीसरा है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, PSA. ये प्रोस्टेट कैंसर के लिए है मेल्स में, राइट? मेल्स में ये स्क्रीनिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है. PSA बढ़ा हुआ है तो कैंसर के चांसेस ज़्यादा, और इवन ये डायग्नोसिस में हेल्प करता है प्रोस्टेट कैंसर के, और मॉनिटर ट्रीटमेंट मॉनिटर करने के लिए, और वापस कैंसर आया नहीं आया उसके लिए भी काम करता है. फिर देर इज समथिंग कॉल्ड ए CEA, ये है कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन. कार्सिनो एम्ब्रियोनिक यानी ये किसके लिए है? ये कोलोरेक्टल कैंसर, इंटेस्टाइन का कैंसर, और लंग, स्टमक, थायराइड, पैनक्रियाज, ब्रेस्ट, ओवरी, इन कैंसरों में भी CEA बढ़ा हुआ आता है. तो CEA टेस्ट काफ़ी कॉमन है जो कैंसर में किया जाता है, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन CEA. ये भी ट्रीटमेंट सही काम कर रहा है, नहीं कर रहा, कैंसर वापस तो नहीं आ गया, इन चीज़ों में मदद करता है बताने में. फिर देर इज अल्फा फीटो प्रोटीन,
AFP ये आता है लिवर कैंसर के लिए या ओवरीज या टेस्टिकुलर कैंसर के लिए। ये डायग्नोसिस में भी हेल्प करता है बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ हो तो, और कैंसर सही से काम कैंसर ट्रीटमेंट काम कर रहा है या नहीं, कैंसर फैल तो नहीं गया है, कैंसर वापस तो नहीं आ गया और रिकवरी कितनी अच्छी होगी, इन सारे प्रिडिक्शन में AFP काम करता है। उसके बाद है B2M। B2M इज़ बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, मल्टीपल माइलोमा और कुछ तरीके के लिम्फोमा और ल्यूकीमिया के लिए, ब्लड कैंसर के लिए ये होता है बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन B2M। ये अगेन ट्रीटमेंट काम कर रहा है या नहीं, कैंसर वापस तो नहीं आया, कैंसर के लिए आगे रिकवरी कैसी होगी, इसके लिए काम आता है। सो ट्यूमर मार्कर के टेस्ट में आपका ब्लड टेस्ट हो सकता है, यूरिन टेस्ट हो सकता है और टिश्यू बायोप्सी हो सकती है। और प्रिपरेशन में कोई खास प्रिपरेशन नहीं चाहिए होता है। बायोप्सी कर रहे हैं तो कई बार खाली पेट रखा जाता है कुछ टाइम के लिए, डिपेंडिंग अपॉन बायोप्सी कहाँ से हो रही है। कोई खास रिस्क नहीं है ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट में। बायोप्सी में यस, थोड़ा सा ऑब्वियसली जहाँ सुई लग रही है, जहाँ कोई ऐसा कुछ इन्फेक्शन या ब्लीडिंग का रिस्क हो सकता है। ट्यूमर मार्कर में याद रखिए, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा मार्कर है आपको पता चलेगा आपके, कई बार डायग्नोसिस में मदद होती है, कई बार कैंसर का टाइप या कैंसर की स्टेजिंग पता चलती है, कई बार ये पता चलता है कि कैंसर का ट्रीटमेंट काम कर रहा है नहीं कर रहा, फ्यूचर में ट्रीटमेंट से फ्यूचर कैसा रहेगा आपका, थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट करने में मदद मिलती है। और ट्रीटमेंट फिनिश हो जाने के बाद कैंसर वापस तो नहीं आया, ये पता चलता है, फिर हम वापस बता रहे हैं बार बार। सो दिस इज ऑल अबाउट इट, कैंसर का ट्यूमर, ये बाकी सब आपको पता होना चाहिए। ट्यूमर मार्कर बहुत काम की चीज़ है, इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। और कई बार ये भी पता होना चाहिए कि नॉन कैंसरस कंडीशंस में भी कुछ ट्यूमर मार्कर्स बड़े हुए आ सकते हैं, दैट इज वन थिंग। देन कई सारे लोग जिनको कैंसर है उनको ऐसा भी होता है कि कोई भी ट्यूमर मार्कर पॉजिटिव नहीं है फिर भी कैंसर है, ऐसा भी होता है। तो लेकिन ज़्यादातर केसेस में ट्यूमर मार्कर्स हाई आते हैं, राइट। और सारे के सारे कैंसर्स के ट्यूमर मार्कर्स अभी तक नहीं पाए गए हैं, जिनके पकड़े आए हैं, जिनकी टेस्ट बने हैं उनके बारे में हमने बताया। सो ट्यूमर मार्कर इज़ ऑलवेज, ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज होता है बाकी सारे टेस्टों के साथ कैंसर के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट और मॉनिटरिंग में, इसलिए आपको ट्यूमर मार्कर के बारे में पता होना चाहिए। दैट इज़ ऑल अबाउट ट्यूमर मार्कर। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।